हे गाइस, एक और यहाँ पर पीसी तैयार है। बहुत कम प्राइस में वैल्यू फॉर मनी वाला पीसी बना है। 20,000 रुपये का पीसी रहने वाला है। जैसे रेट है वैसा शानदार पीसी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमैटिक शॉट तो आपने देख लिए होंगे। चलिए देखते हैं किसने ऑर्डर करा है। तो राहुल अहमद ने ऑर्डर करा है, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। 20-21 हज़ार का पीसी बन के तैयार हुआ है, मतलब 20,000 कुछ बन के हुआ है, मतलब 20-21 के आसपास। बट सोचने वाली बात है, 20,000 के आसपास इतना अच्छा पीसी, वो भी नया पीसी, सील पैक कॉम्पोनेंट के साथ हमने बनाया। तो भाई जैसे हमारे पास रेट रहते हैं ना, बस यही कारण है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छे कम प्राइस में ये बिल्ड हो पाया। तो अगर आपको भी ऐसा पीसी ऑर्डर करना हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे वेबसाइट, जो कि techpc7.in। वहाँ पर आप जाके सिंगल कंपोनेंट लेना हो आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे कस्टम में जा सकते हो। वहाँ पर स्पेशल आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जो जो आपको पार्ट पसंद हो या जानकारी हो तो आप अपने हिसाब से पीस को बिल्ड करो, ऑर्डर प्लेस कर दो, वहाँ पर भी आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन ये पीसी भी कैश ऑन डिलीवरी पर जा रहा है। कोई कोटेशन है आपकी, मतलब कोई पार्ट आपने सोच रखे हो, या फिर कोई बजट में आप चाहते हो कि 30,000 का बेस्ट पीसी कौन सा रहेगा, तो उसके लिए आप हमारे सेल्स टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप उससे पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है, या फिर जिस बजट का आपको पीसी चाहिए हमारी टीम आपको कोटेशन शेयर कर देगी। बाकी चलिए ये तो कि पीस आप कैसे खरीद सकते हो। ये जो पीसी है ना, मतलब 20,000 रुपये का लिटरली बहुत वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी किसे कहते हैं कि मतलब कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आपको अगर मिल जाए तो उसे वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। बाकी चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से हमने कंपोनेंट यूज़ करे एंड क्या प्राइस उनकी रहने वाली है। तो निकालते हैं यहाँ पर मेन हाईलाइट चीज़, भाई प्रोसेसर कौन सा लिया है। तो प्रोसेसर हमने यहाँ पर लिया है i3-10105F। इसकी प्राइस है 5,750 रुपये। रेट आप, मैं कहूँगा जरूर आप सब जगह पता करें, हमने जो प्राइस है 5,750 का बताया तो इसी रेट में दिया है। आप ऑनलाइन जरूर चेक करना कि ऑनलाइन ये क्या रेट आपको देखने को मिलता है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो i3 का प्रोसेसर है F सीरीज़ का है, तो इसके अंदर बिना ग्राफिक कार्ड के डिस्प्ले नहीं आएगी। मैं जहाँ तक जानता हूँ भाई, कस्टमर के पास ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड है, उसने यूज़ ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर लिया है, तो उस ग्राफिक कार्ड को पेयर करके चलाने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, वो आती है हमारी मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड हमने यहाँ पर एक बेसिक, एक अच्छी कंपनी की तरफ से गीगाबाइट की H410H2V2 version 2 की रहने वाली है। एंड बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है, 2 RAM स्लॉट, ग्राफिक कार्ड के स्लॉट, NVMe के स्लॉट एंड 10th generation के जो भी है i3 i5 को बड़े आराम से हैंडल करके चला देती है। प्राइस भी बहुत अच्छा है इस मदरबोर्ड का। इस मदरबोर्ड की प्राइस है 5,750 रुपये। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर रैम, तो रैम हमने यहाँ पर यूज़ करी है ATA XPG 8GB 3200MHz। एक स्टिक का प्राइस है 1,850 रुपये। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर स्टोरेज, तो स्टोरेज हमने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, जो कि हमने रखी है कंसिस्टेंट 512 GB M.2 NVMe 5 ईयर वारंटी के साथ देखने को मिलती है। प्राइस 2,850 रुपये। एंड इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एक अच्छी डिसेंट 80+ Bronze सर्टिफाइड की पावर सप्लाई। कई सारे लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में एंटी स्पोर्ट या फिर एंटेक की जो आइटम सीरीज आती है, मतलब पावर सप्लाई ठीक तो है लेकिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो उस केस में उनके फूकने का ज़्यादा चांस रहता है। बट ये जो पावर सप्लाई है 80+ Bronze सर्टिफाइड है। 80+ Bronze सर्टिफाइड का मतलब होता है कि पावर का कितने फ्लक्चुएशन हो आपकी पावर सप्लाई नहीं फूकेगी। तो इसीलिए हमेशा पावर सप्लाई 80+ Bronze सर्टिफाइड जरूर ले। ये पावर सप्लाई हमने गीगावाट की 80+ Bronze सर्टिफाइड रखी है एंड इसका प्राइस है मात्र 2,500 रुपये, एंड जो कि मुझे लगता है मोर देन इनफ है भाई, काफ़ी है। फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड भी लगाओगे 1660 सुपर जैसा तो वो बड़ा आराम चल जाएगा। सो गाइस, ये तो हो गया मेरी पावर सप्लाई। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट। कैबिनेट हमने यहाँ पर लिया है Antec NEC 270TG, प्राइस मात्र 3,250। बेसिक कैबिनेट है, छोटा स्लिम कैबिनेट रहता है, डायमंड शेप आगे देखने को मिलती है, 2 फैन फ्रंट की साइड है, बैक में खाली जाली होती है जिससे हवा का फ्लोइंग बना रहे। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर केबल मैनेजमेंट, तो भाई जैसे हमने पीसी बनाया वैसे हमने केबल को अच्छे से मैनेज भी करा है, जो कि आप देख सकते हो। बाकी कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और सुझाव जो देना चाहो कि भाई अगर ऐसा कुछ करते तो पीसी शायद और बढ़िया लगता, या फिर इस प्राइस में कुछ और अच्छा कुछ बन सकता था पीसी, कमेंट में भी बताना। अगेन
ये जो पीसी है ना थोड़ा सा गेमिंग को ध्यान में रखते लिया है, ग्राफिक कार्ड कस्टमर के पास है 1660 पर, उसे लगाने के बाद में पीसी हो जाएगा गेमिंग एंड बहुत बढ़िया चलने वाला है। पीसी कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको ऐसा पीसी ऑर्डर करना हो तो विजिट कर सकते हैं हमारे TechPC7 वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप बात कर सकते हैं हमारे सेल्स टीम को, नंबर आपको ऊपर फ्लैश हो रहेंगे। वीडियो करते हैं खत्म, अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए यार मैं बता दूं पीसी होने वाला पैक, ये कंपोनेंट जो ये बॉक्सेस है ना ये भी शिप होने वाले हैं, तो बबल रैप मार के शिप कर देंगे ये पीसी। राहुल अहमद के जब मतलब राहुल अहमद के पास जब तक सही सलामत नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।